पूरा बोर्ड देख लिया, देन इसके बाद हम अंदर चलेंगे और आपको थोड़ी फैक्ट्री दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको डायरेक्टली शोरूम में लेके चलते हैं। तो अंदर आ गए, पूरा फैक्ट्री आउटलेट है, यहीं पे बनता है और यहीं से आपको मिलता है डायरेक्टली। डायरेक्टली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, पूरा अपने सामने तैयार किया जाता है। जो आपको एकदम बीच में देखने को मिलता है, ये लोग भी चाहते हैं कि जो आपको माल मिले और जो आप यहाँ से लेके जाए वहाँ जाके आपको सेल करने में यूज हो और उसमें से आपको एक बेनिफिट मिले। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll go. दोस्तों मैंने पूरा आपको यहाँ का रास्ता एरिया कवर करवाया है, ताकि आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको रास्तों के नाम भी बता दिए, मंदिर दिखाया है आपको एक पॉइंट के लिए कि जब आप यहाँ पर आते हैं आपको इजी रहे यहाँ से आने में। पूरा फैक्ट्री आउटलेट दिखाने के बाद शोरूम का, आपको इतना शानदार शोरूम है कि आपने देखा होगा तो आपको खुद ही देख के इच्छा हो गई होगी कि आप यहाँ पर आते हैं। तो अब मैं यहाँ के जो ओनर है, इस पूरे शोरूम के जो ओनर है, उनके पास लेके जाऊँगी आपको, जो कि हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे कि यहाँ पर वो किस तरह से डील करते हैं और क्या क्या सामान हमें देने वाले हैं वो इस फैक्ट्री आउटलेट एरिया में। तो चलिए मैं उनके पास डायरेक्टली लेके चलती हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। अब ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा खोला हमने, आइए। तो सर है, सर अभी थोड़ा सा काम कर रहे हैं, बट हमें थोड़ी सी जानकारी लेनी है तो हमें जाना पड़ेगा। तो सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वही सर को आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सर की बाहर रिंग रोड पे एक और शॉप है सबोरी फैशन के नाम की, जो आपने कई बार देखी और सर को भी आप कई बार मिल चुके हैं। वो शॉप भी एकदम शानदार किस्म की है, और ये वाली सर, ये जो फैक्ट्री आउटलेट आपने खोली है, हमने पूरा देखा, एकदम माइंड ब्लोइंग टाइप की है। पूरा शोरूम भी फेल करता है इसके आगे। तो ये फैक्ट्री आउटलेट में और वो भी मार्केट से इतनी दूर खोलने का कोई पर्पस के बिल्कुल कस्टमर को मार्केट से अलग लेके आएंगे आप? दोस्तों सबसे पहले आपको नमस्कार, मैं आपको यहाँ पे अरुणा टेक्सटाइल हब फैक्ट्री में लाया हूँ। फैक्ट्री का मतलब भी आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे क्या क्या चीज बनती वो भी बताऊंगा। इससे पहले एक खाली आवश्यक सूचना देना चाहूंगा, कभी भी आप सूरत आते हो, स्क्रीन पे मेरे नंबर दिए गए हैं, उस पे आप कॉल कीजिए। अगर कोई कारण से नंबर नहीं लग रहा है तो वीडियो के अंदर मेरा लिंक दिया है, गूगल के अंदर भी मेरा एड्रेस दिया गया है, आप डायरेक्ट आना, यहाँ पे आपको मिस गाइड करने वाले बहुत मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इस चीज से हमेशा सावधान रहिए कि जहाँ आ रहे हैं और जिसके लिए आ रहे हैं डायरेक्टली उन्हीं से कॉन्टेक्ट करके। राइट राइट राइट। अब मैं आपको फैक्ट्री आउटलेट का मतलब बताता हूँ। रिंग रोड पे मेरी सबूरी फैशन करके शॉप है। कई लोगों की डिमांड थी कि सम्राट भाई आप सूरत हम लोग आते हैं, इतने दूर से परचेज भी करते है, यार हमारे को फैक्ट्री भी अगर दिखने मिल जाए, कैसा कपड़ा बनता है, किस तरह से काम किया जाता है, तो यार वो हमारे को अच्छा लगेगा। तो बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने फिर यही सोचा कि यार मेरी फैक्ट्री में मैं एक ऐसा शोरूम बनाऊं, यहाँ पे सेल भी हो जाए और लोगों को अगर फैक्ट्री देखनी है वो भी दिख जाए कि किस तरह से कपड़ा बनता है। तो बहुत लोगों की वो डिमांड थी, तो इसीलिए मैंने ये सारी चीजें की। और उसके बाद भी यहाँ पे बहुत लोग सूरत में जैसे सेमी होलसेलर होते हैं, वो भी बोलते हैं मेरी फैक्ट्री है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा यार अपने क्यों ना इस तरह से एक पैलेस या शोरूम बनाऊं, वहाँ पे आजू बाजू मेरी फैक्ट्री भी हो और कस्टमर को भी दिख जाए। क्योंकि आप रियल फैक्ट्री में आते हो ना, तो आपको दो फायदे होते हैं। अच्छा। सबसे पहले आपको प्राइस अच्छा मिलेगा और कॉन्सेप्ट जो है वो नया मिलेगा। अच्छा। रियल फैक्ट्री का मतलब ये होता है, मतलब फैक्ट्री में आपको जितना भी आप नॉर्मली शॉप में काम देखते वो तो देखने को मिल जाता है, देन आपको ये भी पता लगता है कि किस किस तरह से काम किया जाता है और कैसे कैसे यहाँ पर स्टार्टिंग होती है।
तो सर ये पूरा हमने वैसे तो कैप्चर किया है कि किस तरह की आपका ये शोरूम है, बहुत खूबसूरत है, मैं बार बार यही कह रही हूँ, बट मैं ये देखना चाहती हूँ जो शोरूम के अंदर आपने रोज़ बना रखे उनमें आप किस किस तरह का फैब्रिक रखते हैं, मटीरियल क्या क्या रखेंगे, एंड कलेक्शन में हमें यहाँ क्या क्या डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, तो आप हमें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये फैक्ट्री थी, यहाँ पे मतलब कस्टमर को बैठने के लिए मैंने इतना अच्छा बनाया ताकि कस्टमर को कोई चीज़ की तकलीफ ना हो, क्योंकि ये अगर ओपन रहता ना तो यहाँ पे इतनी सारी बाहर आप देख सकते हो बहुत सारी आवाज़ है तो कस्टमर बैठ नहीं पाएंगे। आइए मैं आपको क्या क्या चीज़ यहाँ पे बनती है, क्या क्या चीज़ मैं रखता हूँ, मैं आपको सारी चीज़ देखता हूँ। सबसे पहले आप ये देख लीजिए अरुणा टेक्सटाइल हब, ये आपने लिया ही होगा पहले भी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो ये आपको मैं दिखाऊँगा, ये मेरा सारीज है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिंटेड सारीज, वर्क सारीज और बहुत सारे कैटलॉग्स आइटम है। आप एक बार पूरा का पूरा दिखा सकते हो कस्टमर को कि क्या क्या यहाँ पे चीज है। तो आप अंदर दिखाएंगे कुछ? अंदर भी मैं बहुत सारे आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगा, आप एक बार पहले सारा का सारा सैंपलिंग गोडाउन को आप एक बार पूरा कैमरा घुमा दीजिए ताकि कस्टमर को मालूम पड़ जाए कि मेरे पास क्या क्या चीज है। आइए दिख रही है, हाँ जी ऐसे ही पता लग रहा है कि बहुत सारी है, ये आप देख सकते हो मैम वर्क में भी मेरे पास बहुत सारी है। बेटा इसको एक बार खोलो अमूल, पूरा हैवी वर्क है, पूरा हैवी लो मीडियम यहाँ पे आपको सारा का सारा प्रोडक्ट मिल जाएगा मैम। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं मिल सकती, मेरे पास पूरा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आप ये देख सकते हो हैंडवर्क बहुत प्यारी चीज है, बहुत खूबसूरत है, इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। इसके डायमंड आप देख सकते हो, इसका हैंडवर्क देख सकते हो, इसका आप फैब्रिक देख सकते हो, ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे फैब्रिक है। अगर मैं दूसरा भी अगर कोई फैब्रिक खोलूं तो हर चीज आपको नई नई मिलेगी, हर डिजाइन अलग अलग मिलेगी, एक से एक साड़ी मिल जाएगी आपको हैवी हैंडवर्क में। ये देखिए कॉन्सेप्ट इसका, कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ, अगर कस्टमर पूरा गुजरात भी अगर घूम ले ना मैम तो भी इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं मिल सकता है। उसके बाद अगर कोई नेट का कस्टमर डिमांड करता है तो नेट में भी उनको मिल जाएगी। अच्छा मतलब सारी जो कस्टमर ऑल फैब्रिक मैं बनाता हूँ यहाँ पे। देखिए भाई एकदम न्यू वेडिंग कर्ल्स के हिसाब से एकदम शानदार पीस है, पूरी नेट के ऊपर है, नेट के ऊपर वर्क किया गया है। हाँ जी हाँ जी, नेट सारा अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, मेरी खुद की मैन्युफैक्चरर्स से बना हुआ है, ऊपर ये सारे के सारे बन रहे। अगर आपको देखना है तो मैं दिखा दूंगा। आइए उससे पहले ये चीज मैंने दिखा दी कस्टमर को कि यहाँ पे वर्क और प्रिंटेड सारीज भी है, ये आप देख सकते हो प्रिंटेड सारीज, प्रिंटेड सारीज में भी मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, ये आप देख सकते हो, ये जितने देख रहे हो ये पूरे के पूरे सैंपल्स रखे गए हुए प्रिंटेड। हाँ जी हाँ जी, ये डेमो पीस है, ये सैंपल पीस है, क्वांटिटी भी तैयार करते हैं बिल्कुल पूरी। हाँ जी पूरी क्वांटिटी कस्टमर को, ये देख सकते हो मैंने एक दो पीस में खोल के दिखा दूंगा आपको, ये देखो ये हाँ जी ये प्रिंटेड साड़ी है, ये सैंपल पीस है। इस फैब्रिक में आपको कम से कम 70-80 डिजाइने मिल जाएगी, सब फैब्रिक में आपको डिजाइने मिल जाएगी अलग अलग सब में। हाँ जी सब में मिल जाएगी, ये देखिए भाई ये देखो प्रिंटेड साड़ी की भी कोई कमी नहीं है यहाँ पर, प्रिंटेड में भी आपको इतनी डिजाइन मिलेंगी जितने आपने यहाँ पे। खाली कस्टमर को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों सबसे पहली मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा, सूरत आप कभी भी आते हो अरुणा टेक्सटाइल हब को मिस कभी मत करना। दोस्तों मैं आपको परचेस का रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे खाली 5 से 7 मिनट का आने तक का, बाकी आप खुद में खुद समझ जाओगे कि यहाँ पे एक बार आने के बाद आपको खुद में खुद लाइव मिल जाएगा कि यार सही बात है सम्राट भाई ने जो बोला था 100% मैं आया तो मेरा बेनिफिट होगा। ये दोस्तों खाली मैं आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको एक ही छत के नीचे सारा का सारा प्रोडक्ट मिल जाएगा और सारा का सारा अच्छा रेट वाइज माल मिल जाएगा। आप कहीं से भी खरीदते हो पूरा सूरत से, एक बार यहाँ पे आओगे मैं गारंटी देता हूँ आप बार बार मेरे से माल ले जाओगे। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये देख सकते हो आप। प्रिंटेड की अगर मैं बात करूँ तो मैम बहुत सारी प्रोडक्ट है और एक ही प्रोडक्ट अपने इतने दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप कुछ और दिखाने चल रहे हैं? हाँ और अपने दिखाएंगे, ये तो खाली फर्स्ट अभी सेक्शन था। हाँ जी ये टोटली भाई जितना भी सेक्शन था ये पूरा साड़ियों का था, सारी साड़ियाँ जो डिजाइन वगैरह होती है वो आपको इसी सेक्शन में मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो सिल्क सारीज और लहंगा सारीज। अच्छा लहंगा सारीज और हाँ जी सिल्क और लहंगा। देखिए भाई पूरा सेक्शन पहले भी कवर करके कहूंगी, ये आप पूरा का पूरा एक राउंड ऑफ कर लो। बिल्कुल मैं चाहती हूँ पूरा राउंड हो ये और दिखाई दे कि यहाँ पर भी कलेक्शन की कोई कमी नहीं होने वाली है।
लहंगों में एक से एक वैरायटी मिल जाएगी। ये आप देख सकते हो सिल्क में भी एक से एक प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। खोल दो। हाँ जी मैम, सिल्क साड़ी। सिल्क साड़ी है, ये देख सकते हो आप, ये सिल्क साड़ी है। ये आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है, मतलब फुल 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 पावरफुल में चल रही है मैम। ये देखिए कलर भी आपको एकदम वाइट वाइट मिलेंगे, सुंदर सुंदर कलर मिलेंगे। कलर डिजाइन की तो मैम मैं बात करूँ ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। जब यहाँ पे कस्टमर आएंगे तो मैं उनको स्टेप बाय स्टेप सारा कॉन्सेप्ट दिखा दूंगा, क्योंकि क्या अभी मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाने जाऊंगा ना तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए जब भी यहाँ पे कोई कस्टमर आएंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप उनको दिखा दूंगा। उसके बाद अगर मैं लहंगा की बात करूंगा तो लहंगे में भी इतने सारे कॉन्सेप्ट है, आपने दिखाई दिया है। एक बार मैं दो चार पीस खोल भी देता हूँ। तो जैसे कोई कस्टमर यहाँ पर आता है तो देन बिजनेस के लिए आप गाइड करते हो उसको? देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कोई भी कस्टमर अगर नया बिजनेस चालू करता है ना तो उनको कुछ भी आइडिया नहीं होती है कि मैं किस तरह से परचेस करूं, किस तरह से खरीदी करूं या क्या क्या चीज़ रखना है। तो दोस्तों आपको डरने की कोई चीज़ नहीं, आपका भाई बैठा है, आपका घर का सदस्य बैठा है, यहाँ पे आइए, मैं आपको 100% पूरा का पूरा हेल्प करने के लिए मैं बैठा हूँ। दोस्तों आपका बिजनेस सेटअप करवाने की जवाबदारी मेरी है, वो आपका बिजनेस नहीं, वो मेरा बिजनेस है, वो जवाबदारी आप मेरे पे छोड़ दीजिए। ये देख रहे हो आप मैम के लहंगा की मैं बात करूँ तो लहंगा है, ये देखिए भाई एकदम ऊपर से नीचे तक मतलब पूरा। हाँ जी पूरा का पूरा, ये देखो, ये देखिए गर्लिश लुक है, कलर कॉन्सेप्ट देखिएगा इस लहंगे का, बहुत खूबसूरत है। ये देखिए फ्लेयर देखिए, पूरा घेरे वाले मिलने वाले हैं आपको। ये देखिए मतलब आपने सारे कलर्स रखे थे, इंग्लिश कलर हो मैम, कलर डिजाइन तो बहुत यहाँ पे अनगिनत सैंपल है, अनगिनत कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आपको मैं थोड़ा बाजू का और डिपार्टमेंट दिखा दूं, उसके अंदर भी कुर्तीज है, ड्रेस मटेरियल्स है, कैटलॉग आइटम है। हाँ जी प्लाजो, मैं वही तो बोल रहा हूँ मैम, एक छत के नीचे सारा का सारा सामान कस्टमर को यहाँ पे मिल जाएगा। तीसरे सेक्शन में चलेंगे, ये पूरा लहंगा ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा, इसको भी एक राउंड ऑफ आप दिखा सकते हो। यहाँ पे कुर्तीज है, ड्रेस मटेरियल्स है, प्लाजो है, कैटलॉग है, सारा का सारा आइटम यहाँ पे मिल जाएगा। ये पूरा सेक्शन कुर्तीज के लिए है। हाँ जी कैटलॉग आइटम है, ड्रेस मटेरियल है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा ड्रेस मटेरियल के पूरे सैंपलिंग रखे गए हुए। एक दो आपको दिखाना है तो मैं दिखा भी दूँ। बिल्कुल ये देख सकते हो आप, ये देखिए भाई पूरा इस तरह का ड्रेस मटेरियल ही हो गया। ये इसका दुपट्टा आ गया, इतना खूबसूरत, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए एक और है, बहुत प्यारी चीज है मैम। चंदेरी के ऊपर आप इसका वर्क देख सकते हो, हैंड वर्क देख सकते हो, ये पूरा हैंग वर्क है। हाँ जी हाँ जी बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारी चीज है ये। और ये रहा देखिए इसका दुपट्टे में भी आपको फुल वर्क मिलने वाला है इस तरह से, ये देखिए। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो मैम एक से एक कॉन्सेप्ट पड़ा है, ये आप देख सकते हो दुपट्टा वर्क है इसके साथ, ये देखो। ये तो आपको हो गया सूट, ये हो गया आपको दुपट्टा, दुपट्टा इस तरह से। कॉन्सेप्ट पे मेरे पास ड्रेस मटेरियल में आप देख सकते हो कि बहुत सारे ये है सारा। हाँ जी उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कुर्तीज के सैंपल, कुर्तीज में भी इतने सारे सैंपल्स हैं, ये सैंपल्स है कुर्तीज में भी, सारे कुर्तीज के सैंपल है, सारे के सारे कुर्तीज के सैंपल है। ये भी आप देख सकते हो इधर के सारे कुर्तीज सैंपल, ये सारे के सारे भाई कुर्ती सैंपल्स हैं, एक से एक डिजाइनिंग आपको इसमें मिल जाएगा। डिजाइन के मैम यहाँ पे कोई कमी नहीं रहेगी, डिजाइन आपको जितना चाहिए अनगिनत डिजाइन मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको थोड़ा कैटलॉग भी दिखा दूँ, प्लाजो भी दिखा दूँ थोड़ा आप। हाँ जी ये प्लाजो भी है आप देख सकते हो, जी पूरा प्लाजो सेट है भाई मेरे से। नहीं ये कुर्ती है, ये प्लाजो है, कुछ न्यू स्टाइल है, ये देखिए न्यू स्टाइल वाला बिल्कुल प्लाजो आपको मिल जाएगा, नीचे से वर्क मिल जाएगा, देन ऊपर डबल मिल जाएगा। ये देखिए ये पूरा हैंग वर्क भी किया गया इस पे। हाँ जी प्लाजो की अगर बात करो तो बहुत सारी प्लाजो में भी डिजाइन है। अच्छा। उसके बाद अगर मैं कैटलॉग की बात करूँ तो कैटलॉग में भी इतनी सारे डिजाइन है, इतने सारे कैटलॉग हैं। हाँ जी ये आप देख सकते हो और भी सारे कैटलॉग्स है यहाँ पे, मतलब कोई चीज की मैम कमी नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने पहले भी कस्टमर को बोला है आप यहाँ पे एक बार विजिट कीजिए, यहाँ देखिए क्या क्या चीज मिलती है यहाँ पे। आपको अगर ऐसा जरूरी नहीं परचेस करना, एक बार राउंड आप घुमा के जा सकते हो, देख के जा सकते हो, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। अगर आपको बिजनेस के लिए कोई आइडिया चाहिए तो वो भी लेके जा सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको परचेस ही करना है। अच्छा, इसके बाद कुछ और भी सेक्शन है अभी? देखो सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास बहुत सारे सेक्शन है लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है अभी। इसके बाद का जो सेक्शन रहेगा ना मैम वो खाली स्टॉक सेक्शन है अभी, ये भी है और उसके बाद ऊपर भी है, तो वो दिखाने का कोई मतलब नहीं। फिर भी एक एग्जाम्पल के लिए एक स्टॉक का दिखा देते हैं,
ताकि कस्टमर को आइडिया मिल जाए और की कमी नहीं है। हाँ जी, और कस्टमर को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको माल साथ में ले जाना है तो भी मेरे पास अवेलेबल स्टॉक है। अच्छा। कभी कभी क्या होता है, जिनकी ओपनिंग एकदम तुरंत होती है उनको हाथों हाथ माल चाहिए होता है, तो दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपको बाय हैंड मैं तुरंत माल पैक करवा के दे दूंगा। मेरे पास जो जितना भी दिखाया सैंपल्स वो पूरा का पूरा अवेलेबल रेडी स्टॉक आपको मिलेगा। मिलेगा भाई, ये देख लीजिए पूरा स्टॉक है और पूरे में ही स्टॉक रखा हुआ है, मतलब पूरा बंच के बंच बना के रखे हुए हैं। ऊपर भी और फ्लोर है। ऊपर भी है? हाँ जी। ओके, खाली स्टॉक। हाँ स्टॉक। ओके भाई, पूरा ऊपर भी स्टॉक रखा हुआ है, मतलब जैसा सर ने कहा कि अगर आपको बाय हैंड भी माल चाहिए तो वो ले जाने की भी फैसिलिटी है, क्योंकि स्टॉक के लोग एकदम बना के रेडी रखते हैं। एकदम रेडी स्टॉक मैम, जैसे कस्टमर को अभी आधे घंटे एक घंटे में पैकिंग चाहिए तुरंत लेके जाओ, तुरंत लेके जाओ, बाहर ले जाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों सर के साथ हमने पूरा ये जो शोरूम था वो हमने घूमा, बट इतना सारा शोरूम था, इतनी सारी कलेक्शन थी कि हम आपको पूरी तो कवर नहीं कर पाए, बट थोड़ा थोड़ा हमने आइडिया लगाया कि सर के पास आपको एक से एक वैरायटी दिखेगी। मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार जब आप सूरत आकर विजिट करते हैं तो यहाँ पर आना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नहीं आए तो सूरत आने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ आपको यहाँ मिलेगी ना आप पूरी सूरत मार्केट भी घूमेंगे ना तब भी आपको नहीं मिलने वाली है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, चाहे आप यहाँ से परचेज ना कीजिए बट आकर एक बार देखिए ज़रूर इस चीज़ को। और दूसरा बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि बाय हैंड आप यहाँ से माल ले जा सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि सर की खुद की फैक्ट्री है यहाँ पर, आपको ये देखने को मिलेगा कि काम किस तरह से होता है। और दूसरी चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी कि सर ने जो अभी हमें दिखाया वो तो मिल रहा है, बट फैक्ट्री होने की वजह से कुछ नया सर के पास रोज बनके तैयार हो जाता है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि एक बार यहाँ पर आइए, आकर एक बार जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पर आना एक सफलता से कम नहीं होगा, यहाँ पर अगर नहीं आए तो सूरत आने का कोई फायदा नहीं है। आई एम श्योर ये जो हमारा आज का कलेक्शन था, जो सर का पूरा शोरूम था, आपको बहुत पसंद आया होगा। तो सर की वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।